हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। आज मैं आपके साथ रस भरी अरबी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अरबी बनाने के लिए मैंने अरबी को अच्छे से छील कर धो लिया है और इसे सुखा भी लिया है। मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया, और उसमें ही 2 हरी मिर्ची भी मैंने ना ग्राइंड कर ली हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने लिया है। अब मैं अरबी में फोक के साथ होल कर लूँगी। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है सेम। कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं अरबी डाल दूंगी और उसे फ्राई कर लूंगी। अरबी को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। एक कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दूंगी। अब मैं इसमें ग्राइंडेड ऑनियन भी डाल दूंगी। अनियन को गुलाबी रंग का होने तक पकाएं। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। इसमें ये है कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है टोमेटो प्यूरी डालने के बाद ही डालें, तभी उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। अब मसाले को 5-10 मिनट अच्छे से पकने दें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। हाफ टेबल स्पून हल्दी डालें। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। मसाले को 5 मिनट अच्छे से पकाएं। मसाला रेडी हो चुका है, इसमें मैं फ्राई की हुई अरबी भी डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी का डाल दें। और कुकर को बंद कर दें और 2 सीटी बजने तक इसे पकाएं। अब हमारी अरबी तैयार है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
अब हमारी रसभरी अरबी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।